बहुत अच्छा है, हम लोग भाषण देने में बहुत अच्छा है, बुबाकरा एक लक्षण बोलने में सब चलता है, लेकिन जो बुबाकरा बोल रहा है उसको आप लोग नहीं सुन रहे। आज यहां में हमने ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, ये सेमिनार जैसा है, आपको हम अपना दिल का बात बोल रहे हैं। आज ये मीटिंग खत्म हुआ, इसके बाद सदर सिपाही चाला, उसके बाद अम्बासा, उसके बाद तेलियामुरा, ख्वाय, हम सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लीडर सबको बुला रहा है और हम यही बात बोलने वाला है जो आपको बोल रहे हैं। मैंने नोटिस किया है यहां में साउथ में करबुक हो, मनु हो, जुलाईबारी हो, सबरूम हो, शांतिर बाजार हो, मैंने क्या देखा है? थानसा कहां है आपका? कहां है थानसा आपका? कोई रियांग के बारे में बात करता है तो कोई त्रिपुरा के बारे में बात करता है, तो कोई मौक के बारे में बात करता है, तो कोई चकमा के बारे में बात करता है, अलग अलग आप लोग बात कर रहा है, एक होके नहीं बात कर रहा है आप लोग। कोई गारो के लिए बात करता है, आप लोग पहले से हम लोग का इतना छोटा कम्युनिटी है, सबको एक लेके चलो, नहीं क्या लीडरशिप है यहां में? हमारा ईएम्स है, एमडीसीज है, मैं आपको भी बोलने वाला हूं, आप क्या सिर्फ त्रिपुरा का लीडर है, क्या रियांग का लीडर है, या देवबर्मा लीडर है? इसके लिए हमने आपको ईएम बनाया, एमडीसी बनाया पब्लिक ने, इसके लिए आपको नेता बनाया? नहीं, आपको एमडीसी ईएम इसके लिए बनाया गया कि आप पिपरा साग के लिए काम। आज क्या है ये लीडरशिप? और मैं आपको यहां में सबको बोलने वाला हूं, यहां में सबरूम से लोग आए हैं, कोई बोलता है महाराज आप सबरूम से फाइट करेगा कि नहीं करेगा? अपना शांतिर बाजार में एमएलए कैंडिडेट कौन होगा? करबुक में एमएलए कैंडिडेट कौन होगा? कंचनपुर में कौन होगा? पानी सागर में कौन होगा? आपको एमएलए सीट के पीछे भागना है। जो लोग हमारे सामने आके बोलता है कि हमको एमएलए का टिकट दो वरना हम मोथा के लिए काम नहीं करेगा, आप लोग निकलो, निकलो पार्टी से। आपको पब्लिक ने तिपरा लैंड के लिए वोट दिया है, एमएलए 1952 से त्रिपुरा में कम से कम 500 एमएलए आ चुका है बुकुंगबारा का, लेकिन बुकुंगबारा समाज को दोफा को कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ एमएलए बनना है, आपको सिर्फ एमडीसी बनना है, ईएम बनना है, हमको देखो, हमको एमपी ऑफर किया गया है, आज भी ऑफर किया गया है, लेकिन हम क्या बोलता रहता है, हमको नहीं चाहिए 13 लाख तिपरा साह को कुछ देना है, 13 लाख। हम सिर्फ एक जाति के बारे में बात नहीं करता है, और मैं आपको यहां में क्लियरली बोलना वाला हूं, एमएलए एमएलए एमएलए, अरे जब होगा तब होगा, पहले विलेज काउंसिल इलेक्शन है, अपना कमी से जीत के आओ, अपना गांव से जीत के आओ, उसके बाद हम लोग एमएलए के बारे में बात करेगा, पहले सेमीफाइनल जीतो। आप लोग फाइनल जीतने का कोशिश कर रहे हैं, विलेज काउंसिल इलेक्शन अगर हम लोग नहीं जीतता तो क्या एमएलए जीतेगा? ग्रुपिज्म, इसी के लिए 70 साल से, इसी के लिए 70 साल से हम लोग टूट चुका है। ये हमारा गांव का है, हम इसका आदमी है, हम उसका आदमी है, हम महाराजा का आदमी है, महाराजा का आदमी कोई नहीं है, आप लोग सब महाराजा का, कोई स्पेशल नहीं है।
जो स्पेशल है वो तिप्रा लैंड, ग्रेटर तिप्रा लैंड कम्युनिटी के लिए जो बात करता है वही महाराज का आदमी है। महाराज का सामने सेल्फी ले लिया, हम महाराज का आदमी है, और फोटो ले लिया ऐसा करके, हम महाराजा का आदमी है। जो ग्रुपिज्म नहीं करता है वो बुबागरा का आदमी, जो ग्रुपिज्म नहीं करता है वो बुबागरा का संघ है TWF में। और हम आपको बोल रहे हैं यहां में MDCs है, EMs है, पार्टी मंत्री पद से ADC से बड़ा है। हम लोग का पार्टी इज बिगर बिकॉज जो आप लोग MDC EM है सिर्फ 5 साल के लिए है, 5 साल भी नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी रहा और हार रहा दफा रहा तो ही हम लोग पावर में रहेंगे। तो यहां में कौन है जिसको MLA का टिकट चाहिए, हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ, ओए नंदू उठाओ हाथ। लास्ट टाइम क्या बोला सबको सामने आपको हम बोल रहे हैं, नंदू बोला कि हमको MLA नहीं देगा, पार्टी में नहीं रहेगा। नंदू दफा के बारे सोचो दिल से, बुबागरा आयुक्त लोकथम बोलने से नहीं होता है। कहां है यहां में करबुक का लीडर लोग, कहां है अब सब चुप हो गया, कहां है संजय मानिक, अपना गांव से जीत के दिखाओ। नंदू अपना विलेज काउंसिल जीत के दिखाओ, उसके बाद हम लोग बात करेगा क्या होने वाला है, पहले अपना गांव में विलेज काउंसिल में जीत के दिखाओ और ग्रुपिज्म नहीं होगा, वरना आई एम टेलिंग यू विजय बाबू बैठो आई विल रिजाइन, मैं छोड़ देता हूं, छोड़ दूं? नहीं, क्यों? आप बीजेपी में भी जाके MP बन सकता है, MLA बन सकता है, जाओ ना बीजेपी जाके, CPM जाके, कांग्रेस जाके MLA बन जाओ। हम लोग को पावर में आके 1 साल से ऊपर हुआ है, हमने आज तक सब जगह में, हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग हंसता है कोई लोग अंदर से, आप लोग पॉलिटिक्स करता है इसी के लिए हम लोगों का पब्लिक हम लोगों ऊपर विश्वास नहीं करता है। हाँ राजनीति में कुछ चाहिए मानता हूं, लेकिन राजनीति का यह मतलब नहीं होता है कि आप जाति को पीछे रखें। भाषण देने से, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है, दिल भी बड़ा करो। विलेज काउंसिल इलेक्शन के लिए फाइट करना है कि नहीं करना है, वो अगर कब है विलेज काउंसिल इलेक्शन, अक्टूबर में। धनंजय देवजी शिहानुमोग पहले अपना जगह से जीत के आओ, उसके बाद हमको बोलो कि बुबागरा हमको ये चाहिए, पहले बुबागरा को दिखाओ कि आप अपना एरिया से विलेज काउंसिल में आप ग्रुपिज्म नहीं करेगा, आप लोग जीत के आए। अरे इतना खून गर्म है तो उनको मारो जो 70 साल से हमको नीचे रखा है, एक दूसरा को मार के कुछ नहीं मिल रहा। बीजेपी CPM सब ढूंढ रहा है रास्ता कि कहां में तिपरा मोथा कमजोर हो, वो लोग अंदर घुसे, और आप लोग अगर ग्रुपिज्म करेगा तो निमंत्रण दे रहा है। लेकिन ये मत भूलो कि ये फाइट तिपरा मोथा का फाइट नहीं है, ये फाइट तिपरा सा का है। 15 दिन पहले, 15 days ago विजय बाबू, आई मेट अ पर्सन, ही इज अ वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम नागालैंड, MLA। हमको नागालैंड का MLA ने बोला कि महाराजा व्हाई आर यू आस्किंग फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, व्हाई डोंट यू आस्क फॉर डेवलपमेंट, व्हाई डोंट यू आस्क फॉर, तिपरा पहले से इतना छोटा है क्यों तोड़ना चाहता है आप, पैसा मांगो, डेवलपमेंट मांगो।
ये नागालैंड का एमएलए ने मुझसे प्यास ली, तो आई टोल्ड दिस नागा एमएलए, यू आर वेरी लकी दैट इन नागालैंड योर चीफ मिनिस्टर इज अ नागा. यू वुड नॉट हैव आस्क मी दिस इफ यू आर अंडर असम, बट टूडे बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट स्टेट यू कैन टॉक अबाउट डेवलपमेंट. आपने ये सवाल हमको, हमें इसको हिंदी में रिपीट कर रहा है, मैंने एमएलए को बोला बहुत आसान है आपको डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि नागालैंड का मुख्यमंत्री नागा है, आसाम के अंदर नहीं है नागा. एक टाइम आसाम के अंदर था नागालैंड, एक डिस्ट्रिक्ट होता था. तो आज आप हमको बड़ा बड़ा बात बोल सकता है, हमको आप अलग स्टेट दे दो, हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं. अगर आपको अपना स्टेट नहीं मिलता आज, तो आप हमारा सामने खड़ा होकर हमको ज्ञान नहीं देता. चुप हो गया दैट एमएलए, इनकी इंक्वायर दे आर डिमांडिंग ग्रेटर नागालैंड. हम लोग का ग्रेटर डेवलपमेंट, हम बोले टॉक अबाउट डेवलपमेंट. हम लोगों का बुकुंगवारा तिपरासा लोगों को पूरा नॉर्थ ईस्ट का देख के हंसता है, हम लोग को, हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है. जानता क्यों? क्योंकि हम लोग का थानसा नहीं है, हम लोग अपने ही जमीन में, हम लोग किसी और का पीछे भागता है. ये एमएलए बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, थोड़ा सा रुपया के लिए, बड़ा पिक्चर देखो. ये महाराजा ना प्रद्योत मानिकिया छोटा छोटा चीज के पीछे भाग रहा नहीं है, एमएलए के पीछे नहीं भाग रहा है, एमपी का भी नहीं भाग रहा है, बड़ा पिक्चर है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसा नागालैंड को आज मिला है, जैसा मिजोरम को आज मिला है, जैसा मेघालय को आज मिला है, हम वैसे ही आपके लिए फाइट कर रहा है, अपना लिए फाइट नहीं कर रहा है. नंदू समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम कंचनपुर में हम लोग का जो रियांग को रखा गया है हरेंद्र, अगर हम लोग बोलता नहीं हमको रुपया दे दो रियांग को मिजोरम में रखो, तो आज रियांग त्रिपुरा में नहीं रहता. हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज अपना ब्रू के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. इसके लिए आज हम लोग का ब्रू है. बोलता है कि मोदी जी ने लाया, अमित शाह ने लाया, हां लाया, लेकिन प्रेशर किसने दिया? आज जो ब्रू है, आप लोग सब सुन रहे हैं हमारा बात, प्रेशर दिल्ली को किसने दिया? अगरतला का कोई लीडर ने नहीं दिया, ये आपका सामने मुबादरा ने प्रेशर दिया, तब मोदी जी और अमित शाह ने किया, प्रेशर किसने दिया? नंदू भवरंजन समझो, हरेंद्र समझो. अगर हम जाके बोलता ठीक है रियांग को रहने दो, हमको निर्महल दे दो, तो आज आपको कुछ नहीं मिलता. हां मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये किया, लेकिन प्रेशर रिमोट कंट्रोल उनके पास है, लेकिन उंगली दबाने वाला बटन हम लोग था, बैटरी हम लोग का है. हम इतना प्यार करता है आप लोगों को, फाइट करना होता, फाइट अपने लिए मत करो. अपने लिए तो जानवर भी फाइट करता है. जंगल में एक जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए फाइट करता है, लेकिन हम लोग तो तिपरासा है, हम लोग को तो अपने आप के लिए नहीं, अपना दोफा के लिए फाइट करना. सैक्रिफाइस का यह मतलब नहीं होता है कि अपना स्वार्थ देखा जाए. आज आप देखो कोरबुक में, अमरपुर में, सबरूम में, जुलाईबारी में, मोनू में, ऋषिमुख में, शांतर बाजार में, पानी सागर में, कंचनपुर में, और कौन सा एरिया है जो हम मिस कर रहे हैं? गंडोतुईसा में. कहां है गंडोतुईसा से लोग देखता हूं. आपको एमएलए बनना है या पहले विलेज काउंसिल जीतना है?
आप लोग कैसे जीतेगा विलेज काउंसिल? अगर कोई बोलता नहीं, चकमा को नहीं देगा तो नहीं जीतेगा, जमतिया को नहीं देगा तो नहीं जीतेगा, त्रिपुरा को नहीं देगा तो नहीं जीतेगा। पहले विलेज काउंसिल जीतो। आपको कोई चिंता का बात नहीं, मैं अपना ये घर इसको बेच दूंगा आप लोगों को जिताने के लिए, आप सबको जीतने के लिए अपना जमीन ये घर बेच दूंगा, अपना नयुमा बेच दूंगा आप लोगों को जिताने के लिए। हमको दिल्ली जाकर भीख नहीं मांगना है, हम लोग भिखारी नहीं है। लेकिन मेरा माथा के ऊपर बंदूक रख के ये मत बोलो कि बुबागरा अगर आपको हमको टिकट नहीं मिला तो हम लोग सीपीएम बीजेपी या कांग्रेस चला जाए। कोई कोई तो तृणमूल जाने के लिए भी भाग, जॉय बांग्ला करके जाओ। आप लोग जानता है कि बुबागरा ने आज तक एक रुपया नहीं खाया, हमने सिर्फ अपना पॉकेट से दिया। लेकिन जो बुबागरा बोल रहा है और जो लीडर लोग बोल रहा है अलग है। दिल से आपका जो सपोर्ट है वो दिल से होना चाहिए। जब आपको तिपरा लैंड मिल जाए आप जाओ ना, जाओ कहीं भी जाओ, कोई डजंट मैटर टू मी। लेकिन जब तक हम लोग को कुछ नहीं मिलता है तब तक एक रहना पड़ेगा। विलेज काउंसिल इलेक्शन के लिए आप लोग तो बीच में ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग विलेज काउंसिल इलेक्शन जीतो, उसके बाद हम लोग फिर से मिलेगा। आपका गांव में आप जीता, इसके गांव में ये जीता, इसके गांव में ये जीता, उसके बाद बोलेगा यहां आओ। कितना लोग जीता? ये चलो पांच लोग, पांच मेन लीडर है, सामने बैठो। कौन एमएलए के लिए फाइट करेगा? लेकिन कोई बोलता है कि हमको एमएलए बनना है, अपना गांव एक साल से नहीं गया, अपना गांव से हारता है और बोलता है एमएलए का टिकट चाहिए, कैसा मांग सकता है आप? पहले जीत के दिखाओ। बुबागरा को भी देखना है कि आप अपना कामी में जीत सकता है कि नहीं, आपका लोग जीत सकता है कि नहीं। इलेक्शन कब है? अक्टूबर, नवंबर पहला हफ्ता तक अगर रिजल्ट अच्छा आया तो दिल्ली को भी ध्यान देना पड़ेगा कि तिपरासा लोग, तिपरा मोथा बुबागरा दिल्ली में जाकर दम लगा के बात करेगा कि देखो हम लोग जीत के आया है, अभी हम लोग को हमारा बात मानो, वरना हम यहां में अपना बारे बात करने नहीं आया है। हमको कुछ नहीं चाहिए, जितना सम्मान मेरा परिवार को मिला है त्रिपुरा से, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला होगा जितना हमारा परिवार को सम्मान मिला है माता त्रिपुरा सुंदरी से। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपको कुछ देना है। लेकिन अगर हम लोग ही विलेज काउंसिल इलेक्शन हार जाता है, क्यों हारेगा? ग्रुपिज्म है कि नहीं? डू यू अग्री? ये ग्रुपिज्म को खत्म करो। कैसे खत्म होगा? ये पांच छह लीडर लोग जिसको एमएलए बनना है ना, वो लोग ग्रुपिज्म शुरू कर रहा है, हां कि नहीं? ये पांच छह लीडर को भी हम अभी डायरेक्टली बोल रहे हैं, एमएलए हम चुन के देगा और पहले विलेज काउंसिल इलेक्शन जीत के आओ सब लोग, उसके बाद जो विलेज काउंसिल से जीतेगा सबसे बैठ के बात करके हम कराएंगे। और हम जो बात कर रहे हैं ये हमें सीक्रेट नहीं है, सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक कमिटमेंट होना चाहिए। मैं बीमार हूं, मर सकता हूं, लेकिन मरने से पहले अपना तिपरा सा को कुछ देना है हमको। एमएलए नहीं बनना है, मंत्री नहीं बनना है, सीएम नहीं बनना है, तिपरा सा को कुछ देना है। जब मरेगा तो बोलेगा ये बुबागरा ने अपना दोहा को कुछ दिया। ग्रुपिज्म को बंद करो।
से इलेक्शन हम लोग जीता। आज आप जानता है कि आईपीएफ की शायद दिल्ली जा रहा है 23 तारीख को 100 लोग लेके जंतर मंतर में 100 लोग बोलेगा तिप्रलैंड वी वन तिप्रलैंड, वही आईपीएफटी जो हताई कतौर में 15,000 आदमी को लेके रोड ब्लॉकेट करता था, 100 आदमी लेके दिल्ली जा रहे हैं। हम कुछ और आपको प्रपोज कर रहे हैं, विलेज काउंसिल इलेक्शन नवंबर पहला हफ्ता तक खत्म हो जाएगा, 15 से 20 नवंबर का बीच में हम यहां से 2 ट्रेन ऑर्डर करेगा, स्पेशल ट्रेन 2,000 तिप्रासा को हम लोग दिल्ली ले जाएगा। दिल्ली चलो नहीं, दिल्ली भरो। जीतने के बाद विलेज काउंसिल जीतने के बाद हम लोग 2,000-2,500 आदमी हो 3,000 हो हम लोग जाएगा दिल्ली, और दिल्ली में जाकर हम लोग बोलेगा हम लोगों को ग्रेटर तिप्रलैंड चाहिए। जीतने के बाद तब तो प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर को मिलना पड़ेगा ना, ठीक बोल रहा है कि नहीं? सिर्फ दिल्ली चलो होने से नहीं होगा, दिल्ली भरो। पूरा दिल्ली में बुकुंग बारा लोग दिखना चाहिए, और अगर हम लोग 2000 से 3000 लोगों को बीच में ले गया तो आपका 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बाद और 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कम से कम हर एरिया से हर विलेज काउंसिल से 2-2 लोग जा सकता है, हां कि नहीं? 2-2 क्या, हर विलेज काउंसिल से 6 लोग जा सकता है, 3,000 होगा। विजय बाबू विल स्टार्ट दिस प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन शुरू करो, लेकिन जिसने ग्रुपिज्म किया उनको हम नहीं ले जाने वाला, उनको नहीं ले जाने वाला। हम लोग यहां में अपना दफा के लिए आया है। आज ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, हम चाहता है कि आप लोग ये मीटिंग खत्म होने के बाद सिर्फ एक, हम कोरबुक से तो कोरबुक का बात करेगा, हम शांतिर बाजार का तो शांतिर बाजार का बात करेगा, हम कोरबुक से गोरागप्पा से है तो गोरागप्पा का बारे में बात करेगा। हम चाहता है कि आप लोग एक दूसरा का नंबर लो, सब लोग जो शांतिर बाजार का है वो कोरबुक का नंबर लो, कोरबुक का है वो सबरूम का नंबर लो, जो जुलाई बारी का है वो ऋषिमुख का नंबर लो, मनु का है वो सबरूम का नंबर लो, जो कंचनपुर का है वो पानी सागर से नंबर लो, पानी सागर का सबरूम से लो, कंचनपुर का लो, कंचनपुर का रियांग, हम लोगों का शांतिर बाजार का रियांग से बात करो, अमरपुर से बात करो, कोरबुक से बात करो, क्यों नहीं? आप लोग जब तक एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, बड़ा नहीं बनेगा। आप लोग नंबर एक्सचेंज करो, और जब आप लोग बात करेगा ना, एक ही चीज हमको सुनना है, क्या? थम्स अप। आपको ग्रेटर तिप्रलैंड चाहिए कि नहीं? तो आपको सीरियसली क्यों लेगा कोई? अगर आपको सिर्फ अपना बारे सोचना है, दफा के बारे में, मैं यहां से वापस जा रहा हूं, विजय बाबू से बात करूंगा, सदर को बुलाऊंगा, सिपाही जाला को बुलाऊंगा, अपना ढलाई डिस्ट्रिक्ट से सबको बुलाऊंगा, लेकिन यही बात जो मैंने आज आप सबको बोला वही उनको भी बोलने वाला। नो नेता ओनली ग्रेटर तिप्रलैंड, नो एमएलए इलेक्शन, पहले विलेज काउंसिल इलेक्शन, पहले विलेज काउंसिल इलेक्शन जीतो, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेगा
किसको मिलेगा टिकट एमएलए के लिए, उससे पहले किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले अपना विलेज काउंसिल इलेक्शन जीत के आओ और हमको दिखाओ कि आप लोग रेडी है। और जो लोग दिल्ली चलो आंदोलन कर रहा है, अभियान कर रहा है, 100 आदमी जाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग 2000 से 3000 तीप्रसा को ले जाएगा नवंबर का महीने में, इलेक्शन जीतने के बाद। और तब हम लोग दिल्ली को भी दिखाएगा कि हम लोग कितना सीरियस है। पिछले दिन में हमको कुछ खबर मिला है कि कोई नेता का परिवार को नौकरी मिल रहा है, ये सब हम टॉलरेट नहीं करने वाले। ये टिपरा मौथा किसी का जागीरदारी नहीं है। यहां में कोई नेता अपना बारे नहीं सोचेगा जब त्रिपुरा में इतना लोग के पास नौकरी नहीं। पार्टी का ये पोजीशन बहुत क्लियर है और जब तक मैं त्रिपुरा मौथा में और विजय रंगखोल इज द प्रेसिडेंट एंड आई एम द चेयरमैन, वी विल नॉट टॉलरेट नेपोटिज्म। परिवारवाद को हम लोग आगे करने वाला नहीं। आज विजय रंगखोल के घर में भी उनका बेटा और बेटी को नौकरी नहीं, एक बार भी आके नहीं बोला। आज वाईटीए प्रेसिडेंट का भी बीवी का नौकरी नहीं है, आज तक एक बार नहीं बोला। हम लोग ये सब टॉलरेट नहीं करने। जब तक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, हर लीडर को अपना परिवार अपना बारे नहीं सोच के अपना हाथ के बारे सोचना पड़ेगा। ठीक बोल रहा है कि नहीं? प्रद्योत विक्रम माणिक्य बदला नहीं है। हाँ, बीमार हूं लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। आप लोग हैं कि नहीं मेरे साथ? और जो लोग ग्रुपिज्म कर रहा है यहां में, मैं देख रहा हूं बहुत लोग हैं। हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं, आप लोग हैं कि नहीं मेरे साथ? मैं जानता हूं आपको देख के मैं बोल रहा हूं। पहले जीतो, अपना आपको काबिल बनाओ, उसके बाद आके दिसंबर में बात करेगा एमएलए के बारे। पहले हम लोग काम करेगा विलेज काउंसिल इलेक्शन जीतने के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं बोला। ठीक बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? आप जानता है कि आपको एडीसी कैसे मिला 1983 में, 84 में, 79 में अनाउंस हुआ कि उस टाइम श्यामा चरण त्रिपुरा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, विजय रंगखोल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप जानता है कि आपको 3 सीट एक्स्ट्रा क्यों मिला था 1988 में टीएनवी अकॉर्ड में? क्योंकि विजय रंगखोल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने लिए। आप जानता है आईपीएफटी क्यों फेल हुआ 2018 में? उनका कुछ अचीवमेंट नहीं है, क्यों जानता? क्योंकि वो लोग ने दो मंत्री के लिए, थोड़ा ब्लॉक चेयरमैन के लिए और थोड़ा सा विलेज काउंसिल जीतने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और 2023 में वापस ये गवर्नमेंट आएगा, बोलेगा कि साइन करो साइन करो। हम आपको बोल रहे हैं, जब तक राइटिंग में हम आपको नहीं दिखाएगा कि हम लोग क्या साइन कर रहे हैं, जब तक आप लोगों को नहीं दिखाएगा कि क्या है ये सिग्नेचर, तब तक हम लोग साइन किया हम लोग वो कागज को देखेगा भी नहीं। क्योंकि हम लोग यहां में त्रिपुरा के लिए काम करने आया है, अपना लिए काम नहीं करने आया है। और क्या खरीदेगा ये लोग यहां में आपका सामने? जो बिक नहीं सकता उसको आप खरीद नहीं सकते।
और यहां में हम लोग का लीडर्स लोग है जो यू आर सपोज टू बी वर्किंग फॉर योर कम्युनिटी, यू आर सपोज टू बी वर्किंग फॉर योर पीपल एंड पीपल इज नॉट ओनली सरनेम, पीपल इज द होल तोहफा. You are nobody. You all are nobody. If your people do not respect you, and the people will never respect you if they know that you all are greedy, you all are selfish, and you think about yourself. Any leader. You may be a Hindu, you may be a Christian, you may be a Buddhist, you may go to a temple, you may go to a church. But just by going to church and reading the Bible does not make you a good Christian. Just by reading Hanuman Chalisa does not make you a good Hindu. By putting a tikka like that, it does not make you a good Hindu. Just by praying to Lord Buddha does not make you a good Buddhist. What makes you a good Hindu, a good Muslim, a good Christian, a good piprasa is most importantly to be a good human being. Pehle achha insaan bano. Pehle public ka vishwas jito. Wo vishwas ko mat todo. जब वो विश्वास रहेगा तभी आपको कुछ मिलेगा. आज मैं अपने बारे क्यों नहीं सोच रहा हूं जानता हूं, जानता है आप लोग, क्योंकि जितना भी पोस्ट मिल जाए, जितना भी पैसा मिल जाए, जो विश्वास आपका ऊपर बुबागरा के ऊपर है ना, वो हम नहीं तोड़ सकते. आई कैन नॉट ब्रेक द ट्रस्ट. तो आप लोग को भी सोचना चाहिए. हरेन आप यहां में है, देवजीत है, अनंत बाबू अपना भवरंजन है, शिहानु है, वामी बहुत है, अपना तपन है, रुनिल है, अपना शीला छरी से है TWF का. अभी हम आपको पूछ रहे हैं क्या चाहिए जिंदगी में आपको. इज्जत, अच्छा नाम, इज्जत और अच्छा नाम चाहिए ना. सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा नाम, इज्जत. अगर आप अपना दोफा को गद्दारी करेगा, अगर आप आज तीपरा लाइन बोलता है और कल जाके दूसरा पार्टी में ज्वाइन करता है और बोलता डेवलपमेंट चाहे, डेवलपमेंट चाहे, तो आपको एमएलए तो आप बन जाएगा, लोकल लीडर भी बन जाएगा, थोड़ा पैसा भी आ जाएगा, इज्जत कभी नहीं मिलेगा आपको. बहुत लोग बोलेगा अरे इज्जत का क्या है, पैसा चाहिए. वो चुआक पी के रात में बुबाकर को फोन करता है. सच में आज हमारा जो तबीयत खराब हुआ है ना, आप लोग का फोन उठा उठा के हमारा तबीयत खराब हुआ, हमारा दिल तोड़ दिया आप लोग ने. सब नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमारा दिल तोड़ दिया. रात में फोन करके अरे तीपड़ लाइन तो पाइप बनाए कि पाइप जाने ना, हमारा रखना आज का पद दिया दो. हमारा दिल तोड़ता है आप लोग. हमको कितना दुख लगा है, इसके लिए आज बीमार हूं कि हम इतना किया. हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिसके लिए मांगा उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पैसा चाहिए और थोड़ा पोस्ट चाहिए. यहां में बुरी लोग हैं, आप लोग बुमा भी हैं. जो आपका जिंदगी हुआ वो चाहता कि आपका बच्चा का भी ऐसी जिंदगी हो. मैंने हमेशा बोला
लीडर कौन जो लास्ट में अपना बारे सोचे, हाँ कि नहीं? लीडर कौन जो लास्ट में अपने बारे सोचे? अ गुड लीडर, विजय बाबू इन चर्च दे ऑल्सो से अ गुड लीडर ऑलवेज ईट्स लास्ट। जो अच्छा लीडर है वो आखिर में खाना खाता है। तो यहां में जो अब जॉब एप्लीकेशन हुआ, गुड लीडर सबसे पहले खाया, ये सब चीज को हम टॉलरेट नहीं। हम त्रिपुरा में नहीं था जब ये हुआ, अभी हम ठीक करता है। ठीक बोला आप लोगों को विलेज काउंसिल के लिए मैं आज लास्ट एक बार लास्ट बार पूछ रहा हूं, वो पीछे में जो है, आप लोग रेडी है कि नहीं कि आपको प्रैक्टिकल बनना है? बहुत लोग बोलता है हम लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं मिलेगा त्रिपुरा लैंड, थोड़ा पैसा मिल रहा है, थोड़ा सा वन टाइम ग्रांट मिलेगा, उसी को लेकर खुश हो जाओ। प्रैक्टिकल होना चाहिए भाई। कोई मिजो नहीं सोच सकता था उनको मिजोरम मिलेगा अगर लोग प्रैक्टिकल होता तो। कोई खासी गारो जयंतिया को मेघालय नहीं मिलता अगर वो लोग प्रैक्टिकल होता। कोई नागालैंड को आज तक नागालैंड नहीं मिलता अगर वो लोग प्रैक्टिकल होता। हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिलता अगर वो लोग प्रैक्टिकल होता। जो लोग बोलता है प्रैक्टिकल हो, वो लोग आपका विश्वास आपका अंदर से छीनना चाहता है। 70 साल से आपका प्रैक्टिकल हो क्योंकि आपका विश्वास तो है। विजय रांगखोल को जेल में डाला गया, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, डू नॉट ओपोज लैंड ग्रैबिंग एंड यूल बी हैप्पी। लेकिन बिकॉज ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल 3 सीट लेके आए। वही विजय रांगखोल जिसको यहां में निपेन चक्रवर्ती नहीं मिलता था, यहां में लोकल एमएलए को उग्रपंथी बोलता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसके सामने आकर साइन किया है, वही विजय रामकोल हम लोग का त्रिपुरा साहब को इज्जत मिला। प्रैक्टिकल हो। भाई आज आपका बुबाग्रह जयपुर का राजा के सामने ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जयपुर का महाराजा जयपुर का लोकल के बारे बात नहीं करता, ग्वालियर का ग्वालियर के बारे बात नहीं करता, लेकिन ये त्रिपुरा का राजा अपने त्रिपुरा के बारे बात करता है। प्रैक्टिकल हो। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो गांव में जाओ, अपना डिस्ट्रिक्ट में जाओ, अगला 2-3 महीना आंख बंद करो, ग्रुपिज्म को छोड़ो। एमएलए का इलेक्शन फरवरी में है, विलेज काउंसिल का इलेक्शन सामने है, सेमीफाइनल अभी है, सेमीफाइनल जीतेगा तो फाइनल जीत सकता है आप। और हम लोग साउथ में कमजोर हैं, हम लोग करबुक में ग्रुपिज्म है, शांतिर बाजार हम लोग एडीसी में नहीं जीता, रैना वैली में प्रॉब्लम है, पानी सागर में आज तक हम लोग फाइट नहीं किया, कंचनपुर में 1 सीट में भवरंजन जीता, 1 सीट में 3rd पोजीशन में आया। इतना आसान नहीं है। इसके लिए हम चाहता है कि आप लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों का काम सिर्फ इतना नहीं, डबल करो काम, डबल करो अपना काम, कमिटमेंट दिखाओ, और जीतने के बाद सबको बुबाग्रा का नुयुंगमा में हम पार्टी देगा, जो जीतता है हम पार्टी देगा भी। और उसके बाद हम लोग बैठेगा दिसंबर का महीना में, बैठेगा त्रिंग में बैठेगा और डिसाइड करेगा एमएलए कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन पहले अपना घर अपना कामी को जीतो,
और बुबाकरा को दिखाओ कि हमारा पास क्षमता है। विजय बाबू, आई थिंक आई हैव टच्ड ऑल पॉइंट्स, सब पॉइंट पकड़ा है, कुछ चीज भूला मैंने, कुछ और बात बोलना है, किसी को कोई सवाल है, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी पूछ सकता है। आप तो कोरबुक से कुछ चंद्र में, हाँ क्या क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन पूछो, हाँ स्पीच नहीं देना, क्वेश्चन पूछो। बुबाग्रा खो हाँ तेजौत खो बुबाग्रा, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक सवाल करना है। हाँ। सवाल नहीं आपको बताना है, यही कि शांति बाजार में ग्रुप विजन है बुबाग्रा, एडीसी की पहले सब खुश है और वहाँ के जो नेता है, जो आप एक दूसरे से बात नहीं करती, एक दूसरे को देखती है तो हंसता नहीं है, एक यहाँ प्रोग्राम करती है दूसरा यहाँ नहीं आती, एक तीन चार जन लोग को साथ बैठकर बातें करती है, वो अच्छा नहीं है, वो खराब है, वो ये है वो है, ये सब चलती है शांति बाजार में, मुझे मालूम। और एक बात है बुबाग्रा, जब कोई हमारा त्रिपुरा मथा की लोग शांति बाजार की स्पीच देता है तो हमारा ही लोग वहाँ पे गलत गलत कमेंट्स करती है, मैं उसके अगेंस्ट बुबाग्रा जब ये सब मैं बोलती हूँ तो मुझे कहती है सुनो अच्छा नहीं है, मुझे कई एक विलेज काउंसिल से फोन तक आया है कि मैं वहाँ बाराबारी कर रही हूँ, मेरा विलेज काउंसिल में क्यों आया है ऐसे कहती है। पर मैं जानती हूँ बुबाग्रा सब लीडर अच्छा है, लेकिन सबको पैसा चाहिए, पैसा के लिए एक दूसरे से मिल नहीं हो रहा है, जब से हमारा एडीसी की थोड़ा बहुत पैसा की आ रही है एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, एक दूसरे से खफा हो गया है, हम लोगों को तो पता नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है, जुनाल में क्या हो रहा है, सब जुनाल में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता बुबाग्रा। सच बात कहूँ तो हमें कहा जाता है कि तुम लोग मीटिंग करो, मीटिंग कैसे करना है करो, लेकिन शांति बाजार में टीडब्ल्यू बहुत आगे से बढ़ रही है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी है बुबाग्रा जो ग्रुप भेजन करती है कि हम लोगों को सीट कैसे मिलती है, वो अगर शांति बाजार में खड़े हुई विधानसभा के लिए तो हम नहीं वोट देंगे, वो तो पहले हार चुकी है, कोई कहते हैं उसे तो, इसलिए बुबाग्रा रिक्वेस्ट करती हूँ शांति बाजार में विधानसभा में किसी को मत दो प्लीज, आप वहां खड़े होइए, आप रहेंगे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो एक दूसरे से सिर्फ ग्रुप भी जने होते रहेंगे बुबाग्रा। हम भाई बुबाग्रा नहीं, हम आपको एक बात बोलता है क्लियरली, ठीक है, हमने इतना बड़ा स्पीच दिया आप लोग समझा नहीं, पहला बात हम असेंबली इलेक्शन में नहीं फाइट कर रहे, हमको सीएम नहीं बनना है, दूसरा बात आपको ये पसंद नहीं करता, ये आपको पसंद नहीं करता, आप किसी और को पसंद नहीं करता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, आप लोग टिपरेलन को पसंद करता है, यस बुबाग्रा, तो जब इलेक्शन आएगा तो टिपरेलन के लिए वोट करो, यस बुबाग्रा, यहां में कोई मिस्टर इंडिया मिस इंडिया बनने नहीं आया है कि हमको आपका वो चाहिए, आप यहां में अपना जमीन के लिए अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, इसी के लिए हम लोग आज पीछे हैं। हाँ बुबाग्रा, बुबाग्रा 25 सीट में फाइट नहीं कर सकता, बुबाग्रा 25 सीट में फाइट नहीं कर सकता, और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर आप लोग ऐसे ही करते रहा तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो जाओ यहां में बर्तन मांजने का बहुत दुकान है करो, और तब रोना बाद में, ओ बुकुंबारा को कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, आप लोगों को समझना है कि 6 महीना तक जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है छोड़ो, 6 महीना तक एक होकर अपना हाथ के लिए फाइट करो, जिस दिन आपको अपना ग्रेटर की प्रेरणा मिल जाता है उसके बाद हम ही आपको बंदूक दे देगा, मार दो, लेकिन जब तक अपना नहीं मिलता है ना, आज मोदी और राहुल गांधी फाइट क्यों कर रहा है, आज मोदी और राहुल गांधी फाइट क्यों कर रहा है,
क्योंकि इंडिया है। अगर इंडिया नहीं होता ना तो मोदी और राहुल गांधी इंग्लिश के अगेंस्ट फाइट करता है, समझा? तो आज आप लोग एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं? पहले ग्रेटर तिपरालैंड लो, उसके बाद आप लोग फाइट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ग्रेटर तिपरालैंड निकालो, हम इसी के लिए बोल रहे हैं। और जो आपका ग्रुपिज्म का है वो सब जगह में है, सब जगह में। ये तो कैरेक्टर में है हम लोग का, दिस इज ना कैरेक्टर। आपको लगता है कि 70 साल से हम लोग ही क्यों नीचे है और सब लोग क्यों उठ गया? आपको क्यों लगता है कि मिजो लोग का बीच में प्रॉब्लम नहीं है? है, है, है? लेकिन जब तक मिजोरम नहीं मिला वो लोग एक दूसरे का संग फाइट नहीं किया। खासी गारो में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। खासी और गारो में बनता नहीं है बहुत जगह, लेकिन जब तक मेघालय नहीं मिला लोग दोनों एक होके फाइट किए। नागालैंड में आओ, सेमा, पनियाक, मोन, लोथा, कितना कम्युनिटी है, बीच में उनका एकता एकदम नहीं। लेकिन जब नागालैंड का बात था तो सब लोग एक हुए। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है जान? हम लोग को लैंड भी नहीं मिला, तभी भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। और ये कमजोरी हम लोग के अंदर है, इसी के लिए हम आपको बोल रहे हैं, ये कमजोरी को खत्म करने के लिए 6 महीना तक तो एक रहो। जब एक रहेगा तो दिल्ली समझेगा, अगर एक नहीं रहा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारा बात समझिए। इसलिए मैं बुबागरा शांतिर बाजार से जो कोई भी आई है सबको यही कहना, शांतिर बाजार को छोड़ो, ये पूरा त्रिपुरा में प्रॉब्लम। शांतिर बाजार का पानी त्रिपुरा का पानी से अलग नहीं है, पानी शांतिर बाजार का जो मस्दे जो भंगुई वो पूरा त्रिपुरा का एक ही है, ठीक है, प्रॉब्लम भी एक ही है। लेकिन हम क्या बोल रहा है, जब तक जमीन नहीं मिलता तब तक 6 महीना तक यहाँ से सुनो वहां से निकालो, पहले अपना जाति के लिए काम करो, ठीक है भूपागरा? और ये बात मैं सबको बोल रहा हूँ। इसलिए भूपागरा जो ये बात सुन रहा है सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ आप जो बात कर रहा है वो दिल में लेकर शांति बाजार में ऐसे ही। देखो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं आपका दिल में मशीन गन से घुसा नहीं सकता, ठीक है, वो आपका ऊपर है। अगर आप लोग सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। हम आपको अपना हाथ से खाना दे सकता है, आपको मुंह के अंदर खाना तो नहीं डाल सकता है ना, तो ये तो हम तो जितना कर सकता है बुबागरा कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग तो कोई बच्चा नहीं है, कोई तो दूध का धुला हुआ नहीं है। आप लोग भी जानता है कि अगर आप लोग एक रहा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बुबागरा, थैंक यू। हम भाई बुबागरा, ऑल गुड, आई थिंक ऑल खत्म। क्या क्वेश्चन बोले? यूथ का एक क्वेश्चन, भूपागरा मेरा 40 असेंबली से एक ग्लीस है। हाँ। जहाँ मैं एस सी रिजर्व साहब है आप एस सी की, इसीलिए थोड़ा एक ग्लीस में प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम लोग बैठ के बात कर लेगा। लेकिन टिपरा मोथा को जीतना है, आइडिया है कि टिपरा मोथा को जीतना है। जहाँ मैं टिपरा सा कम भी है वहां से भी टिपरा मोथा को जीतना है, ठीक है, वो चिंता मत करो, वो हम लोग तरीका निकालेगा। लेकिन हर गांव में 587 गांव है, साउथ में, कोरबुक में, रायमा वैली में और नॉर्थ में कम से कम 200 गांव सभा होगा। वो 200 से हम चाहता है कि 150 में हम लोग जीते। जीत सकेगा कि नहीं, जीत सकेगा कि नहीं? अगर नहीं जीता तो आप लोग एक बात समझ लो, हम लोग को तिपरा लैंड भी नहीं मिलेगा। अगर जीता तो तिपरा लैंड का पास हम लोग ज्यादा करीब जाएंगे। हर चीज एक टाइम में नहीं मिलता, आस्ते आस्ते जाना पड़ता है। हर जीत हम लोग का, हर जीत से हम लोग तिपरा लैंड का करीब जाएगा और हर हार से तिपरा लैंड से दूर जाएगा, ठीक है? बेलाइनो हम्बर, थैंक यू।